Assalamu alaikum, I hope you're in good health. If you're new in our channel, then like, share and subscribe to my channel. Try this recipe, it is so amazing, and please subscribe my channel. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, my recipe box. आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी, और इसका स्पेशल हम ईद मुबारक के लिए बनाने जा रहे हैं। ईद पे इस तरह का बहुत ज़्यादा बनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा शोरबे वाला भी नहीं, हल्का सा इसको कढ़ाई टाइप बनाया जाता है। तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं मटन को अच्छे से मैंने वॉश किया है और इसको मैं बॉयल होने के लिए रखती हूँ, जिसके लिए मैंने लिया तकरीबन मैंने मीडियम भी नहीं, मीडियम सिर्फ थोड़ा सा बड़ा, लार्ज साइज लेना है तो आप बड़ा एक ले लें। लार्ज का मैंने 1 अनियन लिया है और ये गार्लिक, ये जो गार्लिक है 1 बंच जो होता है बना वो ले लें, नहीं तो मैंने तकरीबन 1.5 लिया है। और ये बॉयल तो इसके साथ डालेंगे। पहले मैं पॉट रखती हूँ, मैं इसको ऐड कर देती हूँ इसमें। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ और मैं ऑन करूँगी। कोशिश किया करें, अगर आपके पास टाइम है तो प्रेशर कुकर जो है ना वो आप ना यूज़ किया करें। मेरे पास अभी इतना को टाइम है कि मैं इसको इस तरीके से बर्तन में, यानी कि ये वाली देगची में बना सकती हूँ। तो मैं प्रेशर कुकर से अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हाथ से होते ही रहते हैं इसलिए मैं उसे अवॉइड ही करती हूँ। तो ये इसको तकरीबन जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता तब तक मैं इसको कुक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बिल्कुल पानी भी ड्राई हो गया और टेंडर भी हो गया माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालती हूँ इसमें, ये देखें जिंजर, ग्रीन चिली, और तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर जो मटन हो, जो बीफ हो, इसका अपना ही काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इसकी चिकनाहट होती है, ऑयल होता है, कुछ नहीं मैंने कम डाला है। गार्लिक पहले ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, तो जिंजर मैंने तकरीबन भर के 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है, अच्छा होता है ये डालना भी ज़्यादा। अब मैं इसके साथ स्पाइसी डालती हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने डालना अपने, और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें टर्मेरिक डालूँगी। गरम मसाला जो मैं एंड में डालूँगी, मैंने कभी भी किसी भी हंडिया में मैंने साथ नहीं डाला, इसलिए होता है कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तो हंडिया का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। जो हंडिया का जो मेन जो मसाला होता है ना, मैं सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने ड्राई करके इसको हल्का से पीसा होता है, वो मैं हर हंडिया में डालती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। साथ ही मैं अब लार्ज साइज़ का टमाटर, यानी कि मीडियम साइज़ हो तो 2 आप ले लें, कलर ही बहुत ज़्यादा लुक आ रही है। प्रेशर में पकाने से ना कलर इतना अच्छा नहीं आता है जितना आप बर्तन में बनाए ना, आस्ता आस्ता पकता है तो बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैं अब इसको कुक करती हूँ, इसको ग्रेवी मिक्स करने के लिए 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, ताकि ये टमाटर जो है ये भी अंदर बिल्कुल मैश हो जाए। अब ये देखिए हमारा फाइनल लुक आ गया, हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए
ईद पे आप इस तरीके से, बकरा ईद भी इसको बोलते हैं, ईद उल अज़हा भी बोलते हैं, बड़ी ईद भी बोलते हैं, आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। आप नान, क्योंकि अमूमन ईद वाले दिन उधर ईद के बाद भी नान ही लिए जाते हैं, आप इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। लास्ट में मैं गरम मसाला हल्का सा स्प्रिंकल करूंगी। आप इसके आप लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। मेरा बताने का आपको मकसद यही था, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी हो तो आप प्रेशर में बना सकते हैं, लेकिन इसके फाइनल लुक देखें और इसका जायका भी डिफरेंट हो जाता है उससे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। If you like our recipe, then like, share and subscribe to my channel. Try this recipe, it is so amazing, and please subscribe my channel. Thank you.